हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो हम करने वाले न्यूड मेकअप लुक, जो कि बहुत ही बेसिक मेकअप लुक होता है। अब सर्टन मेकअप लुक आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, सो वी गोना डू दैट। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द मेकअप वीडियो एंड एज यू कैन सी द बैकग्राउंड इज डिफरेंट बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग विद दिस मच ऑफ द प्रोडक्ट। सो अब मैं इसी से मेकअप करने वाली हूँ। सो या फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो एज यू नो कि मैंने अपना स्किन केयर पहले कर लिया है। हर वीडियो में स्किन केयर नहीं दिखाने वाली, उसके लिए अगर आपको चाहिए तो मैं अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, बट फिलहाल के लिए मैंने अपना स्किन केयर कर लिया एंड वी गोना स्टार्ट विथ आवर मेकअप। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाली प्राइमर के साथ, जो कि मायग्लैम का प्राइमर। मैं सिर्फ एक प्राइमर लेके आई हूँ एंड इसके अलावा मेरे पास कोई प्राइमर नहीं है। सो हम इसी से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे हम अपने माउथ के अराउंड अच्छे से लगा देंगे, क्योंकि एज नो समर है और टी जोन एरियाज जो होते हैं वो ज़्यादा स्वेट करते हैं, तो इसलिए हम इसे अच्छी तरीके से इधर लगा लेते हैं। एंड उसके बाद मैं यहाँ मेबलिन का फिट में फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ, जिसका शेड है 220। एंड ये समर के लिए बेस्ट फाउंडेशन है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैट होता है एंड फिनिश इसकी काफ़ी अच्छी है, बहुत टाइम तक स्टे करता है आपके फेस पे। सो जस्ट 2 pumps ऑन द हैंड एंड बहुत ज़्यादा केकी लुक नहीं चाहिए, तो हल्का हल्का सा फाउंडेशन हमें सिर्फ अप्लाई करना है। आप कंफर्टेबल हो तो हाथ से भी ब्लेंड कर सकते हो, लाइक दिस। और ज़्यादा ना फिनिश लुक आता है अगर आप हाथ से ब्लेंड करते हो। एज यू कैन सी मेरे हेड पे काफ़ी टैनिंग हो चुकी है, सो फाउंडेशन का शेड थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। एज यू कैन सी मैंने पूरा फाउंडेशन हाथ से ब्लेंड कर लिया है, काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो गया है। आप चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने काम चला लिया। एक्चुअली वी गोना यूज़ दिस कंसीलर फ्रॉम मायग्लैम। ये काफ़ी लाइट कंसीलर है और बहुत ही ईजिली ब्लेंड होता है एंड फुल कवरेज नहीं है, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ हल्का सा। एंड मेकअप को बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस रखने के लिए मैं हाथ से ब्लेंड कर रही हूँ ज़्यादातर। सो लेट्स सेट आवर फेस विद दिस पोज का बनाना पाउडर। मैं ये ब्रश ले रही हूँ एंड इससे हम सेट कर लेंगे अपना कंसीलर पूरा। आप चाहो तो पूरा फेस सेट कर सकते हो, इससे मैटिफाई हो जाएगा आपका पूरा फेस। सो अब हम पहले अपने आईब्रोज बना लेते हैं। ये ब्लू हेवन का आईब्रो पेंसिल है, इससे ना जितना नेचुरल हो सके आईब्रो उतनी नेचुरल रखनी है हमें इस लुक को। एंड लेट्स मूव टू आवर आई मेकअप। आई मेकअप के लिए मैं यहाँ यूज़ करूँगी पॉपेक्सो का आई शेडो पैलेट। फिर मैं ये दोनों शेड यूज़ करने वाली हूँ एंड लेट मी शो यू कि कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं पिंक शेड अब मैं यूज करने वाली ये आईलाइनर मनीष मल्होत्रा का आईलाइनर है। काफी इजी होता है इससे आईलाइनर अप्लाई करने में। सोया एंड हम हुडेड आईज बनाने वाले हैं। सबसे पहले मैं विंग्स ड्रॉ करती हूँ, जिससे मुझे पता चल जाए कि कितना मोटा पतला करना है मुझे। एंड उसके बाद मैं काजल यूज कर रही हूँ। ये है शुगर का पॉप काजल इन अ शेड ब्राउन। एंड ब्लैक काजल मैं अवॉइड ही करती हूँ, एंड स्पेशली गर्मी में तो अवॉइड करना चाहिए। मस्कारा के लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ माइग्लैम का मस्कारा। एंड हमारा आई मेकअप हो चुका है कंप्लीट। एंड उसके बाद मैं यहाँ ब्रॉन्जर के लिए यूज़ कर रही हूँ मायग्लैम का पोज का ब्रॉन्जर, विच इज़ इन अ 2 शेड। लाइक ये डार्क है, ये लाइट है। आप इसे अपने स्किन के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। मैं दोनों मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ, जिससे काफ़ी अच्छा सा शेड बन जाता है। ब्लश के लिए मैंने यहाँ मायग्लैम का पैलेट लिया हुआ है। इसमें काफ़ी अच्छा सा शेड है ये वाला ब्लश, जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। सो इसे लगाएंगे हम। सिर्फ मैं फेस के अपलिफ्ट साइड में लगा रही हूँ, यहाँ नहीं लगा रही हूँ आज। तो ब्लश लगा के मेरा हो गया। एंड ये डे मेकअप लुक है, तो मैं हाइलाइटर स्किप करने वाली हूँ। आई एम नॉट गोना यूज एनी हाइलाइटर। सो उसके बाद बेस को सेट करने के लिए मैं यहाँ NYB का मैट सेटिंग स्प्रे यूज कर रही हूँ। ये NYB का लिपस्टिक है इन अ शेड मक्स एंड हक्स 12। काफ़ी अच्छा न्यू शेड है। एंड अगर आपकी स्किन डार्क शेड में है तो दिस शेड इज लाइक मस्ट है। सो यार, दिस इज द फाइनल लुक एंड आई एम लविंग दिस लुक। एंड आप इसे डेली बेसिस पे भी कर सकते हो, काफ़ी अच्छा दिखता है। एंड या आप बताना कमेंट करके कि आपको ये लुक कैसा लगा। काफ़ी इजी है, बहुत जल्दी हो जाता है। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। एंड मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।